परमानेंट किया, उनको नियमित करा, उसके साथ ही पिछले दिनों में 16,000 उन्होंने स्कूल टीचर्स को नई नौकरियां भी दी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन 36,000 के करीब ऐसे अनियमित पद थे जिनको सरकार ने टारगेट चिन्हित कर लिया था और आने वाले समय में ट्रांचेस में इनको पक्का करा जाएगा। इन 36,000 अनियमित पदों के अंदर बहुत से पद अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं और जो ये 12,000 से ज्यादा टीचर्स अब की बार नियमित टीचर्स अब की बार नियमित हुए हैं, ये पहला कदम है। हम भगवंत मान सरकार जी को शुभकामनाएं देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और हम पंजाब की जनता को, पंजाब के गेस्ट टीचर्स को, पंजाब को शुभकामनाएं देते हैं आज इस खुशखबरी को। आज पंजाब अगर आप देखें रोजगार की बात करें तो 30,000 के करीब जॉब्स भगवंत मान सरकार दे चुकी है। अनेकों अनियमित जो साथी थे जिसके अंदर लगभग हम कहेंगे 14,000 के करीब अलग अलग विभागों में लोग नियमित हो रहे हैं। आज वहाँ के टीचर्स को अब्रॉड सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। आज नए स्कूल खुल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 3,50,000 के करीब सरकार ने नौकरियों का एक जो है प्रोग्राम बना के एक प्लान मोशन में डाल दिया है। आज हरियाणा भी पूछ रहा है हरियाणा की भाजपा सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी से, कि हमारा नंबर कब आए। अगर आज आप हरियाणा में देखें तो शिक्षा और रोजगार इन दोनों मापदंडों पर हरियाणा बहुत बुरी तरह से पिछड़ चुका है। आज हरियाणा में अगर स्कूल देखें तो स्कूलों के मर्जर हो रहे हैं, अगर आप एजुकेशन देखें तो एजुकेशन का स्तर गिरता चला जा रहा है, अगर आप टीचर्स को देखें तो आज हरियाणा के अंदर 25,000 टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। पिछले साल जब स्कूल्स मर्ज होने लगे तो आम आदमी पार्टी हरियाणा ने हर जिले में हर स्कूल के बाहर एक प्रदर्शन किया था जिसमें आसपास के गांव से, घरों से अफेक्टेड पेरेंट्स को साथ लेकर धरने दिए और सरकार को इस कदम से रोकने की कोशिश करी। उस वक्त हमने देखा हरियाणा में आज भी ऐसे स्कूल हैं जहां पर टीचर नहीं है, बच्चे क्लास में बैठे हैं। एक स्कूल ऐसा है जहां पर 5वीं तक की कक्षा के बच्चे बैठे हैं लेकिन प्रिंसिपल, टीचर और केयर टेकर के नाम पर मात्र एक महिला नियुक्त है जो खुद प्रिंसिपल है, खुद टीचर है और इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हरियाणा में करा जा रहा है हर कोई जानता है। हरियाणा की सरकार शायद देश की एकमात्र सरकारों में से होगी जो बच्चों को पैसा दे रही है कि प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ें, अपने स्कूल से निकालने के लिए उन्हें पैसे दे रही है और अपने पास पढ़ने वाले, स्कूल में आकर पढ़ने वाले बच्चों से पैसे ले रही है। हरियाणा का हम चाहेंगे सरकार बताए कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट पास परसेंटेज के अलावा क्या है। आम आदमी पार्टी एजुकेशन में नए आयाम स्थापित कर रही है। दिल्ली के अंदर इस साल 1,141 बच्चा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होकर IIT IIM जैसे अपने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेके गया है सरकारी स्कूल। क्या हरियाणा के किसी स्कूल की इस तरह की बात करी जा सकती है। आज टीचर्स को बाहर पढ़ने को भेजा जा रहा है, आज स्कूल्स ऑफ एमएनएस खोले जा रहे हैं, क्या हरियाणा के किसी भी एजुकेशनल सेक्टर या टीचर से जुड़ी कोई ऐसी बात करी जा सकती है। रही रोजगार की बात, हरियाणा देश में रोजगार में बेरोजगारी में नंबर वन है और ये सरकारी आंकड़े हैं। आज तकरीबन 35% से ऊपर की दर पर चलती हुई हरियाणा की बेरोजगारी हम समझते हैं एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है पिछले 8 सालों की भाजपा सरकार की नीति पर, उनके कार्यशैली। और जो 25,000 नियुक्तियां आज खाली रखे बैठी है सरकार, आज हमारा सरकार से सवाल है कि आप ये नियुक्तियां क्यों नहीं खोल रहे। रोजगार भी इंप्रूव होगा, बच्चों को टीचर्स भी मिलेंगे। आज हम ये भी कह रहे हैं कि अनेकों ऐसे कि हमारी जो पद है इन्हें खाली मानकर यहाँ नियुक्तियां ना करें, जो लोग सालों सालों से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उन्हें पक्का करा जाए। नई नियुक्तियां अगर आप करेंगे तो पुरानों को पक्का करने के बाद करें। हम ये कह सकते हैं कि ना बच्चों को आत्मनिर्भर करने की है, ना रोजगार देने की है, ना युवाओं को आगे ले जाने की है। आम आदमी पार्टी सरकार ने जो एक प्रोग्राम, जो एक नियत जो दिल्ली में दर्शाई थी, आज उसका पंजाब एक ज्वलंत एग्जाम्पल है कि किस तरह से ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारा प्लान है, इसे हम आगे किस तरह बाकी राज्यों में भी लेके जाएंगे। भगवंत मान सरकार दिन ब दिन लोगों का दिल भी जीत रही है और हम समझते हैं आने वाले एक आत्मनिर्भर भारत की
दुनिया में जो अरविंद केजरीवाल जी का एक मिशन था मेक इंडिया नंबर वन, उस मिशन की एक स्थापना करती जा रही है। आज हरियाणा में हम हमारी भाजपा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार से पूछना चाहेंगे कि ये हरियाणा में एजुकेशन की और रोजगार की ये अनदेखी क्यों? आप ये 25,000 रक्त पद कब भरेंगे? कब आप हरियाणा के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मुहैया कराएंगे? कब आप रोजगार के यहाँ पर पोर्टल्स और पटल खोलेंगे? धन्यवाद। मैम, आप कह रही हैं 25,000 वैकेंसी है शिक्षा विभाग में, सरकार ने उसको मानती नहीं। विधानसभा में पहले सरकार ने कहा कि 38,000 रिटर्न रिप्लाई दिया था, उसमें कहा कि 38,000 वैकेंसी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फिर कहा कि 26,000 है, फिर कहा 15,000 है, उसके बाद सीएम ने कह दिया फाइनली कि 12-13,000 वैकेंसी बची है रेशनलाइजेशन के बाद। तो सरकार तो कह रही है कि 12-13,000 वैकेंसी है, वो तो मानती नहीं है। देखिए, भाजपा का एक तरीका है कि जब रिजल्ट या आंकड़े सही ना आ रहे हो तो वो मापदंड बदलने चल पड़ते हैं। अब ये है कि हम कहेंगे कि वैकेंसी कम दिखाने के लिए उन्होंने स्कूल ही घटा दिए। आज हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार को अधिक स्कूल खोलने चाहिए, मौजूदा स्कूलों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मौजूदा जो टीचर्स हैं उन्हें पक्का करना चाहिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट करी है उनके ऊपर उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये कहना कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ हरियाणा की हमें कम सरकारी स्कूलों की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। पंजाब सरकार ने मौजूदा स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक आंकलन करा जिसमें उन्होंने कहा कि एक्चुअली स्टेट को 66,000